बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बयासी मिन हास में खुश आमदेद। दोस्तों, आज की वीडियो नहायत ही अहम है, इसलिए आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसको जब तक आप शुरू से आखिर तक नहीं देखेंगे आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। और अगर अभी आप मार्केट का रुख करना चाह रहे हैं सोलर पैनल की ख़रीदारी के लिए, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपने कदम रोक लें। उसकी वजह यह है कि कल जब मैंने आप दोस्तों की खिदमत में एक वीडियो पेश की है कि पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल की कीमतों में तारीखी कमी हुई है, और इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपने जो पैनल हैं वो 34 रुपये पर वाट के हिसाब से पेश कर दिए हैं सेल के लिए, लेकिन अचानक ही कल की डेट में ही दोबारा सोलर पैनल की कीमतों में इजाफा देखा गया है। और शाम के वक्त जो माफिया है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, मार्केट के अंदर इस खुला माल नहीं फेंकना चाहिए, ताकि थोड़ी शॉर्टेज जाहिर हो और मार्केट में प्रॉफिट की रेशो ज़्यादा की जा सके। इसलिए अगर आप दोस्त अभी अगर सोलर पैनल खरीद रहे हैं या खरीदने का इरादा रखते हैं, तो मेरा मशवरा आप दोस्तों को यह है कि आप कुछ दिनों के लिए होल्ड कर लें इस काम को, क्योंकि अभी गर्मी तेज हो रही है तो उनका यही ख्याल है कि इस वक्त लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेंगे, और प्लस जब गंदम की कटाई वगैरह हो चुकी है, गंदम सेल हो रही है, तो इस वक्त लोगों के पास पैसे पंजाब के अंदर मौजूद हैं और वो मार्केट का रुख करेंगे, और इस वजह से वो आप दोस्तों से फायदा उठाना चाह रहे हैं। और इस वक्त उन्होंने मार्केट के अंदर जो रेट 34 रुपए हुआ था वो दोबारा 35 और 36 और 35.5 रुपए पर वाट तक कर दिया है। और अगर आप दोस्तों ने ये समझा कि अब रेट मजीद बढ़ जाएगा, तो फिर ये होगा कि रश आप बनाएंगे और इस चीज का वो फायदा उठाएंगे और मजीद आहिस्ता आहिस्ता वो रेट कुछ ना कुछ ऊपर करते जाएंगे, क्योंकि अगर 2 से 3 माह पीछे देखें तो रेट कम होने के बाद दोबारा 5 से 6 रुपए इन्होंने रेट चढ़ा दिया था। रेट बढ़ने की मैंने जब रिसर्च की तो मुझे कोई टेक्निकल रीजन नजर नहीं आई, सिर्फ सोलर माफिया है, उनकी हठधर्मी है और उनका जो प्रॉफिट ज्यादा कमाने का शौक है वो इस वजह से ही रेट को बढ़ा रहे हैं। और इस वक्त आपको सोलर प्लेट्स ना खरीदने में ज्यादा फायदा है। अगर आप दोस्त मार्केट में जाकर रश बनाएंगे तो इस चीज से उनको यही अंदाजा होगा कि डिमांड बढ़ गई है, इसकी वजह से जो माफिया है वो मजीद कोशिश करेंगे कि माल की शॉर्टेज को और ज्यादा जाहिर किया जाए, बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए कि माल बहुत शॉर्ट हो गया है, पीछे से मिल नहीं रहा या उसका रेट पीछे से बढ़ गया है। हालांकि माल भी धड़ाधड़ आ रहा है, इनके पास गोदाम भरे हुए हैं, जितने भी वेयर हाउस हैं इनके पास वो फुल हैं, और पीछे से रेट भी नहीं बढ़ा। चाइना के अंदर जो रेट कल था, परसों था, उससे पीछे दिन था, आज भी वही चल रहा है, सिर्फ इन्होंने अपने प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए रेट को बढ़ा दिया है। इस वजह से मैं ये हंगामी सूरत हाल में ये मुख्तसर सी एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को इसके मतलब आगाही दे सकूँ। कल की वीडियो में मैंने खुशखबरी आप दोस्तों को दी थी कि रेट 35 रुपये की हद से भी नीचे आ चुके हैं, और इंशाल्लाह आने वाले मजीद दिनों में तवक्को थी कि ये 32 और 30 की तरफ अपना सफर शुरू करेंगे, लेकिन इन्होंने जो चाल चली है उससे नजर आ रहा है कि यहाँ पर 35 पर इसको ये ब्रेक लगाएंगे या फिर इससे मजीद ऊपर कुछ लेकर जाने का इनका प्रोग्राम है। ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि क्या सोलर माफिया का प्रोग्राम जारी रहा। इनकी कामयाबी तभी होगी जब आप लोग धड़ाधड़ माल खरीदेंगे, अगर आप लोग थोड़ा ब्रेक लगाएंगे तो फिर इनको नजर आएगा कि हमारे पास स्टॉक तो पड़ा हुआ है लेकिन गाहक नहीं आ रहा, और जब सीजन ऑफ होने लगेगा तो ये फिर पछताएंगे। इस वजह से इन्होंने रेट कम करने ही करने हैं, ये अब आप पर है कि आप इनका रेट कम करवाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, अगर आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसे सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और बराए मेहरबानी कमेंट्स के अंदर अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें इस वीडियो के बारे में कि आपकी ये वीडियो सुनने के बाद राय है वो क्या है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।